मैंने मयूर जी जो सुना है कि कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाता तो क्यों नहीं चढ़ पा रहा कैलाश पे, पे? महाशिवरात्रि कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव आकार से एक स्वरूप में आए थे कुछ कहते हैं शादी हुई थी भगवान शिव की आपके महाशिवरात्रि को लेके क्या थॉट्स मेरे लिए हर दिन, हर दिन रात एक शिवरात्र है कोई तो ऐसा इवेंट जिसपे आपको बहुत ज्यादा शिव जी से कनेक्शन हो गया एक इवेंट है आई वॉन्ट टू राइट अबाउट अघोरी साधु तो आप तो मिले हैं अघोरियों से आपका पहला सवाल क्या था अघोरी किसी से भी नहीं डरते हैं ये सत्य है कि वो ह्यूमन स्कल को यूज करते हैं शमशान स्मशान भूमि में पूरे नाइट बैठते हैं स्मशान भूमि में एंड सुना भी नहीं मैंने देखा एक्चुअल में वो अघोरी थे और वो बहुत डरावने लग रहे थे तो मैंने ना कुछ नोटिस किया जो बहुत अद्भुत था अनएक्सपेक्टेड था तो सच्ची बताता हूँ अरुण उस क्षण पे मुझे ये पता नहीं वो क्या था लेकिन तो मयूर जी पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी जैसे हम लोग बैठे थे बातें कर रहे थे भगवान शिव की तो आपका शिव जी से कनेक्शन रहा है आपके लिए अगर आप डिफाइन करना चाहें तो वट इज शिव सबसे प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ एंड जो दर्शक हैं जिनके लिए आप ये कर रहे हैं पॉडकास्ट उनको मैं नमस्कार कहता हूँ और हर हर महादेव हर हर महादेव आपने पूछा शिव जी के साथ क्या कनेक्शन है तो आ, वैसे देखा तो फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं कोंकनी हूँ तो हमारा जो कुलदेव है कुलदेव वो मंगेशी है और मंगेश मतलब शिवा महादेव आ, तो बचपन से हम जाते थे पिताजी माताजी के साथ मेरी बहन हम लोग जाते थे हमारे नेटिव प्लेस लेकिन उसके पहले हम श्योर शॉट एक दो दिन का वेकेशन करते थे गोवा में लेकिन वेकेशन से ज़्यादा वो एक पिलग्रमेज था हम जा, जाते थे मंगेशी और पिताजी वहाँ पे पूजा करते थे तो वो एक तरीके से मेरे साथ एक अच्छा कनेक्शन बन गया विथ शिवा बिकॉज मैं प्रश्न पूछता था ये कौन है मूल पुरुष क्या होता है uh, फिर पता नहीं क्यों लेकिन आई गॉट मोर ड्रॉन टू रीडिंग अबाउट शिवा उनके बारे में पढ़ना uh, जैसे मैं और मेरी आयु बढ़ती गई मैंने जो बाकी लोगों ने लिखा है वो मैं पढ़ता था जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय स्वामी योगानंद मैं जब भी सत्रह साल का था वो किसी बुक स्टॉल में मैंने देखा तो मैंने ले लिया ऐसे पढ़ता था और उनके जो श्लोक है ना उनके बारे में जो श्लोक लिखा जाता है वो मुझे बहुत पसंद है पसंद थे पसंद है और ऑलवेज पसंद रहेंगे उदाहरण में ओम जटा कटा ही संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरी विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगत, धगत ज्वलल लाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रती प्रतीक्षण मम वो जब मैं सुनता था उसमें जो धगत धगत जो है उसके जो वाइब्रेशन थे मुझे सच्ची में ऐसे लगता था कि मैं उनके साथ ही हूँ शिव जी के साथ तो आ, मेरा उत्तर एक लाइन का नहीं है वो बढ़ते गया लेकिन मैं पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूँ आई बिलीव इन पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ सो पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन होगा ऐसे मुझे लगता है हमें क्यों ऐसे लगता है कि पानी जब भी हमें थर्स्ट होती है तो हम पानी के लिए पूछते हैं किसने भी कुछ दूसरा कोल्ड ड्रिंक लेके आए तो भी फिर भी हम उतना नहीं सोचते हमें पानी ही चाहिए वो तो क्यों है वो पानी के लिए इतना लगा कोई बोल नहीं सकता यार तो सेम वे शिव जी के साथ कनेक्शन कैसे हो गया मैं मैं समझता हूं वो बढ़ते गया कनेक्शन इट बिकेम मोर एंड मोर इंटेंस विद टाइम कोई ऐसा इवेंट जिसपे आपको बहुत ज्यादा शिव जी से कनेक्शन हो गया एक इवेंट है जो मैं मुझे याद है बिकॉज वो गोवा में जो मंगेशी टेम्पल था उसमें हम अंदर गए गर्भगृह में और वहाँ पे भटजी ने जो प्रीस होता उन्होंने हमारे द्वारा पूजा करवाई वो तभी मेरे लिए बहुत बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी बिकॉज uh, वैसे तो हम अंदर जा भी नहीं सकते हैं लेकिन शायद वो पॉसिबल था मुझे पता नहीं था लेकिन मेरे लिए वो बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट था बिकॉज मैं वहां पे बैठा हूँ विग्रह जो स्टैचू है वो मेरे सामने है और मैं उनकी आराधना कर रहा हूँ उनकी पूजा कर रहा हूँ क्या है जो आई मस्ट है बीन अराउंड ट्वेंटी वन ओके इक्कीस की आयु होगी शायद मैं उतना फ्रेंकली मैं बता रहा हूँ मुझे ना मंदिर से ज्यादा मंदिर कहाँ पे है उसके इर्द गिर्द जो जो नेचर होता है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है जैसे कोई हाईवे पे अगर मंदिर हो तो ठीक है लेकिन अगर वही मंदिर नदी के तट पे हो या किसी माउंटेन के ऊपर हो तो फिर इट रियली एक्साइट्स मी अलॉट तो मैं बचपन से थैंक्स टू माय फादर स्पेशली वो मुझे काफी ऐसी जगहों पे लेके जाते थे जहां पे मंदिर था लेकिन उसके इर्द गिर्द जो आ, सीनरी थी वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी आई यूज टू गेट रियली इम्पैक्टेड बाय दैट सो मंदिरों पे जैसे आप आपके फादर आपको लेकर जाते थे तो ऐसे ही आप कहीं कोई ऐसा स्पेशल शिव का मंदिर जो आपके दिल के करीब हो टू बी ऑनेस्ट विथ यू वैसे मंदिर तो बहुत हैं लेकिन सबसे बड़ा सबसे पुरातन सबसे अद्भुत मंदिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने देखा वो था कैलाश पर्वत okay. अभी वहां पे मंदिर तो है नहीं लेकिन कैलाश पर्वत ही एक मंदिर है हुँ. और मैं गया था मेरे गुरु के साथ स्वामी सद्योजात शंकराश्रम 2001 में okay. तो मैं पिताजी के साथ मेनली मंगेशी फिर महालक्ष्मी वो देवस्थानों में मैं जाता था और हमारा मठ है मेरे गांव में मठ मत मतलब मठ बोलते हैं उसको और हमारी गुरु परंपरा है तो हम वहां पे जाते थे तो दो चीजें मैं बताना चाहता हूं अरुण एक है कि शिवजी के साथ कनेक्शन से ज्यादा वो कौन है वो कहां रहते हैं और वो है क्या इसके बारे में मुझे चिंतन करने का अवसर मिला कैलाश और मानसरोवर में और उसके मतलब उसके साथ मैं कहूंगा उसके अलावा नहीं उसके साथ Uh, मेरे जो स्वामी जी हैं मेरे गुरु हैं उनके साथ जो मैंने वक्त बिताया टाइम बिताया uh, आपने मुझे तभी पूछा था कि ऐसे uh, कोई इवेंट्स पता है जहाँ पे मंदिर में गए थे तो ऐसे तीन चार या पांच बार हुआ है कि महाशिवरात्रि के समय मैं जाता था उस जगह पे जहां पे स्वामी जी पूजा करते थे साढ़े नौ रात को बैठे हुए स्वामी जी कैलाश की बता रहे कैलाश के पास नहीं ये होता था साउथ इंडिया में ओके, ओके। हुबली करके एक प्लेस है हुबली हुगली कलकत्ता में हुबली एच यू बी एल आई तो वहां पे स्वामी जी को बुलाया जाता था तो स्वामी जी जाते थे और फिर वो वहां पे ना महाशिवरात्रि की पूजा करते थे चार चार बार उसको चार याम बोलते हैं तो वो मैं देखता था उनके सामने में बैठ के मेरे साथ काफी सारे लोग भी थे काफी सारे उनमें से लोग पूजा भी करते थे लेकिन स्वामी जी को देखना शिवजी की पूजा करते हुए महाशिवरात्रि के दिन वो भी बहुत बहुत अद्भुत है मतलब कैलाश स्वामी जी के साथ परिक्रमा करना इनफैक्ट मैं ऑलवेज कहता हूँ पीपल ऑलवेज से कि मुझे हॉलीडेज पे जाना है या मुझे पिलग्रामिज पे जाना है मुझे चार धाम यात्रा करनी है काफ़ी लोग कहते हैं एंड बहुत अच्छी बात है लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया जो लोग जाते हैं वेकेशन के लिए यू नो डिफरेंट प्लेसेस मैं ऑलवेज़ कहता हूँ एक बार आप वेकेशन करिए तो कैलाश मानसरोवर पर तो मैंने मयूर जी जो सुना है कि कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाता हाँ वो वो सही बात है कैलाश पे कोई चढ़ नहीं पाता है चढ़ने की कोशिश काफी लोगों ने की है अः लेकिन उसकी परिक्रमा की जाती है जैसे मंदिर में लोग अंदर गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं वैसे लेकिन उसके आ, मतलब यू डू नमस्कार नमस्कार करके आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं वैसे ही कैलाश एक अद्भुत मंदिर है तो क्यों नहीं चढ़ पा रहा कोई कैलाश पे तो दो प्रकार के है एक माइथोलॉजिकल एक रीजन है और दूसरा है साइंटिफिक जो बताया गया है माइथोलॉजिकली ऐसे कहा जाता है कि वो वहां पे शिवजी का स्थान है मतलब शिवजी वहां पे रहते हैं है। तो जहां पे शिवा महादेव बसते हैं वैसे आप कैसे चढ़ जाएंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो इसलिए परिक्रमा करना फिर उसको शिव जी को वहां पे मतलब कैलाश को नमस्कार करना साइंटिफिकली ऐसे बताया गया था मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्रीज भी आ, कि जो लोग जो जिन लोगों ने प्रयत्न किया चढ़ने के वो एक पॉइंट पे एवेलांश शुरू हो गया बिकॉज वहां पे स्नो uh, भी होता है ऊपर तो स्नोफॉल होने लगा उसको भी कहते हैं एवेलांश और uh, इतना हैवी नहीं था लेकिन एवेलॉन्च ऐसा था कि वो डराया उन्होंने उस व्यक्ति को डरा के वो वापस गया आ, ऐसे भी होता है जो मैंने देखा है कि उस हाइट पे लोग डिसटेड होते हैं उसको हिंदी में मेरे को शब्द पता नहीं लेकिन मन कुछ अलग डायरेक्शन में चला जाता है मैंने देखा है खुद बिकॉज मैं वहां पे गया था और हम कुछ नब्बे लोग थे डिसरिएंटेशन uh, होता है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड उसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं तो जिन लोगों ने प्रयत्न किया उनको वो बहुत महसूस हो गया और फिर वो वापस आ गए ये भी मानते हैं कि वहाँ पे जाने से अगर आप चढ़ते हो या आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप बहुत जल्दी से बुढे होते हैं hmm. आपकी आयु बहुत जल्दी से बढ़ती है बिकॉज टाइम स्पेस का कुछ अलग वहां पे इक्वेशन है ऐसे बोला जाता है चढ़ने की जरूरत नहीं है आप वहाँ उस क्षेत्र में गए तो भी हम भी गए थे उस क्षेत्र में लेकिन तो कितने दिन के लिए थे आप वहां पे? हम टोटल 21 दिन थे तो आप... मतलब पूरी पूरी यात्रा 21 दिन की थी लेकिन कैलाश मानसरोवर पहले गए फिर वहां पे थ्री नाइट्स फोर डेज थे उसके बाद उसके बाद वो करते करते फिर हम कैलाश के तट पर गए फिर वहां पे थ्री नाइट्स फोर डेज वहां पे हम टेंट्स में रहते थे तो कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस आपके कैलाश के अरुण मैं तो कहता हूं कि पहली बात की, वहाँ जाना ही बहुत यूनिक था hmm. एक एक्सपीरियंस मैं शुरू करता हूं एंड मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ बिकॉज काफी सारे ऐसे हैं कि वहां पर जाना ही मेरे लिए एक मेरिकल था इट वॉज नॉट ईजी मैं एट ट्वेंटी एट अट्ठाईस साल के एज पे कौन सोचेगा कि वो कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है लेकिन मुझे फ़ोन आया मेरे कम्युनिटी के एक अंकल है कि ऐसा कुछ प्लान हो रहा है आप आना चाहते हो और इतना अमाउंट है ये सब मैं अमाउंट सुन के बोला भाई अंकल नॉट नाउ लीटर तो वो हो गया किस्सा फिर मैं घर गया फिर पिताजी को मैंने कहा कि ये अंकल के फो, का फोन आया था और वो अंकल को पहचानते थे तो बोला अच्छा आप अच्छा, जाना चाहिए आपको बोला पे हमारे पास पैसा है Because काफी था वैसे उस टाइम के लिए मेरे मन में था कि उतने पैसे से मैं यूएस जा सकता हूँ तो क्यों वापस फोन आ गया कुछ एक दो हफ्तों के बाद वो ही अंकल का फोन की फिलअप हो चुके हैं सीट्स लेकिन दो तीन सीट्स मतलब जो लोग आना चाहते थे पैसा भी दिया था एडवांस वो नहीं आ रहे हैं तो आप वापस मैं पूछ रहा हूं वो सीट्स ओपन है वेकेंट है आप आना चाहते हैं तभी मैंने कहा मैंने ना नहीं बोला मैंने सोचा मैं ऑफिस में था म, मेरा आई थिंक माई माइंड वाज सेंग नो माई हार्ट वाज सेइंग येस तो वो डिफिकल्टी में मैंने उनको कहा कैन आई कंफर्म टमोरो खुश हो गए उनको लगा मैं आ ही रहा हूं तो मैं वापस घर गया तो मेरे पिताजी को बोला है, वापस बोन आया तो बोले अभी तो ये तो कुछ लग रहा है कि संकेत है तो सोचो एंड पिताजी ने कहा आप पैसों के बारे में आ, सोचना बंद करिए बिकॉज आपके कमाई हुए पैसे मैंने सेव करके रखे थे वो है हमारे पास तो मेरे लिए वो तो था कि सेविंग करे तो वापस यू नो इसमें डालना है और मैं जो हुआ सत्य घटना बता रहा हूं आपको तो पिताजी बोले आप हाँ बोल दीजिए वो टेंशन मत ले लो बिकॉज मेरे को वो भी टेंशन था कि पैसों का क्या है मैं कमा तो रहा हूं लेकिन वो सेविंग हो रहा है आगे जाके इन्वेस्ट करना है वो सब एंड ऐसा कभी नहीं था कि मुझे कैलाश आना है ऐसा कुछ मैं खुश था मेरे घर पे सब ठीक चल रहा है तो अंकल का फोन आया अगले दिन मैं ऑफिस में था तो मैंने न सोचते हुए मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूं बोल ही दिया सीधा हिचकिचाहट जीरो मैं आ रहा हूं वो इतने खुश हो गए उन्होंने फिर मेरे गुरु को भी बता दिया आई थिंक नहीं तो उनको पता चला और मैं पहुंच गया कैलाश मानसरोवर और फिर <coughs> मेरे गुरु के गुरु सेवा में मुझे बुलाया गया मैं और और एक मेरा दोस्त था किशन ये तो हो गया मैं कैसे वहां पे पहुंचा जो बहुत अद्भुत था अनएक्सपेक्टेड था मेरे दोस्त मुझे बोलते तू क्या पागल है कहाँ जा रहा है तू कैलाश ये सब मुझे उत, मेरे पास उत्तर नहीं मैं बोल रहा मैं जा रहा हूं तू पागल है, है पागल देखते क्या लेकिन खुद महसूस किया एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन आपको वहां पर जाना पड़ेगा वो महसूस करने के लिए कि मानव सरोवर में रात को जो फीलिंग आप में जागृत होती है वो ऐसे होते जैसे आप पृथ्वी पे ही नहीं हो हां वहां पे ग्रेविटी है पृथ्वी है लेकिन आपको फीलिंग ऐसे एक्चुअल में आ जाता है और रात को शायद दस साढ़े नौ दस बजे बहुत डार्क होता है अंधेरा होता है एंड यू कैन सी मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग लेकिन अगर आप ब्लेस्ड हो अगर महादेव का आशीर्वाद है और आप वहां पे उस टाइम पे बैठे हो मानस सरोवर के तट पे ऑन द बैंक ऑफ मानसरोवर यू कैन एक्चुअली सी यू कैन जैसे कॉमेंट्स होते हैं ना वैसे बड़े वो मानव सरोवर के पानी में डुबकी लगाते हैं यू कैन सी जैसे कुछ गिर रहा है पानी में अभी उसका आप क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे ये आप निर्भर है लेकिन मेरे लिए वो ऐसे कहा भी जाता है कि हम मनुष्य हैं वे ह्यूमंस बट देर आर मैनी अदर एंटिटीज जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है अभी काफी सारे एडवांस्ड बीइंग्स होते हैं जैसे योगी पुरुष जो ह्यूमन फॉर्म से भी आगे जा सकते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स दे सकते हैं उनमें से वो होते हैं जो वो एक फॉर्म लेते हैं और मानसरोवर के पानी में डुबकी लगाते हैं बिकॉज मानसरोवर इज सपोज टू भी बहुत प्योर पानी है वो तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत था मैं शायद एक या दो बार ऐसे मैंने शेयर किया है लेकिन मैं ऑलवेज समझता हूँ कि वहाँ पे उस तट के ऊपर बैठ के शाम के वक्त अंधेरा होने के पहले जब आप उस मानव सरोवर को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आप किसी बीच पर बैठे हो यूर सीटेड एंड वहां पर आपके सामने एक समुद्र है इफ आई टेक यू टू बीच अभी यहां पर तो नहीं है लेकिन हम गए गोवा या मुंबई चौपाटी और मैंने आपको बोल दिया अरुण उनके आपके सामने क्या आपको दिखता है आप बोलेंगे कैसा प्रश्न पूछ रहा मयूर ये तो समुद्र है इट्स अ सी एंड इफ आई टेल यू वो सी नहीं है वो एक लेक है आप बोलेंगे क्या इतना विशाल महासागर नहीं है ऐसा फीलिंग आपको वहां पे फील होता है और उस फीलिंग में उस आनंद में जब भी आप एक श्लोक बोलते हो तो मुझे याद है <coughs> मैं वहां पे बैठा था मैं स्वामी जी के आ, सेवे में था सेवा में था तो आ, वो वहां पे ध्यान कर रहे थे मैं बैठा था तो मैंने सुना एक श्लोक वो कह रहे थे ओम शिव शक्तिया यदि भवती शक्त प्रभवित न देव न खलु कुशल स्पन्दी अत स्वामाराध्या हरिहर विरचा दिभि प्रणौतु स्तुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवती अरुण मैं सच्ची बोलू मुझे उसका अर्थ पता ही नहीं था मैंने सुना था पहले लेकिन उस स्थान पे ये श्लोक सुनना उस मधुरता मदुरत, के साथ उस स्वीटनेस के साथ इट योर सोल आपको अंदर से जागृत करता है यार काफी लोग कहते हैं आप वहां जाने के बाद लोग बदलते हैं कुछ ना कुछ तो होता है काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट्स ऐसे होते कि लाइफ बदल जाता है बदल गया। तो ये तो, तो आ, मुझे लगता है कि लोगों ने वहाँ पे जाना चाहिए उस उस माहौल को उस एटमॉसफियर को फील करना चाहिए एंड वो जब वापस आएंगे काम तो काम ही होगा वो आपने ऑफिस में जाएंगे दिनचर्या वही होगी लेकिन देर बी अ चेंज इन द वे द पर्सन विल थिंक उनके विचारों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा अरुण बी नो मैं कभी भी मैं सत्य बोल रहा हूं मैं कभी भी कैलाश जाने के पहले है गैस बट कैलाश जाने के पहले गुरु के साथ मैंने कभी भी पेंटिंग की नहीं थी मैंने कभी भी कविता लिखी नहीं थी मैंने पुस्तक तो छोड़ दो मेरे एक ऐसे भी नहीं लिखा था लेकिन वहां से आने के बाद मेरा काम तो चलता था बिकॉज वी हैव टू वर्क टू अर्न मनी लेकिन उसके अलावा मैं मैंने स्त्रोत्र पठन करना शुरू किया मैंने मैंने पेंटिंग शुरू किया मैं एक्चुअली जाके एक आर्ट शॉप में जाके उसको ही पूछा कि पेंटिंग भाई साहब पेंटिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए तो वो बहुत खुश कि उसको बहुत धना मिल रहा है तो आई लर्न हाउ टू पेंट मैंने कविता लिखना शुरू किया बिकॉज मुझे आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट द माउंटेन्स आई वॉन्टेड टू राइट अबाउट हैं उसके बारे में मुझे लिखना था तो, तो उस तरीके से आई थिंक लोग बहुत चेंज परिवर्तित होते हैं तो, तो यही अद्भुत आई थिंक एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किया जब आप सत्ताईस अट्ठाइस के थे तब आप वहां पे गए थे अट्ठाइस से तो, तो वो चलिए वो तो होता है उस एज में हाँ तो ऐसा मन नहीं क्या कि मैं ही वो पहला बंदा बन जाऊं जो कैलाश पे चढ़ जाए ठीक है ऐसा कुछ रात में ख्याल आए वेल well, मैं था <laughs> कुछ नब्बे लोगों के साथ और एक बात आपको याद रखनी है कि गुरु की सेवा करने में आप और कुछ नहीं देख सकते आप और कुछ नहीं सोच सकते हैं आप होते हैं गुरु के लिए ही तो कैलाश चढ़ना सत्य बताओ तो मुझे लगा बिकॉज <laughs> एक ऐसा क्षण था जब भी हम काफी नजदीक थे से <laughs> तो इसलिए थोड़ी देर के लिए जरा चल के आता हूं लेकिन ना यहाँ से ठीक है बोलना एट सी लेवल लेकिन उस स्थान पे वो थॉट आएगा और जाएगा लेकिन इट्स नॉट इजी एट ऑल अरे वहां पे दो तीन स्टेप्स uh, लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है यू बिकम ब्रेथलेस तो चढ़ना बहुत दूर की बात है लेकिन डीड आई गेट थॉट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन मुझे आया ये सच बात है। है मुझे आ रहा है क्या, क्या, क्या मैं बन I know. नहीं। नहीं। लेकिन आ, आप अगर जैसे हम गए जैसे अगर हम गए तो हम कर सकते हैं। लेकिन द वे आपको ये पता है कि एक परिक्रमा होती है आउटर और एक होती है इनर जैसे कि कैलाश है तो ये होती है आउटर ठीक है और ये होते इन इनर के लिए परमिशन लगता है इनर का परमिशन मिला तो फिर जाके आप कैलाश के कैलाश को हाथ लगा सकते हैं जैसे मेरे गुरु ने हाथ लगाया और फिर उनके ऊपर एक कैलाश का प्रसाद मिला उनको क्या था एक आत्मलिंग मिला वो लेके आए मतलब कैलाश इज वो शिवा है शिवा का एक अंश उनको मिला वैसे हम कैसे हाथ लगाने पे मिल गया ने वो आ, नमन कर रहे थे कैलाश अच्छा, के ऊपर okay. दंडवत थे तो कुछ आवाज है प्लॉक करके हुँ. देखा तो वो गिरा था ओके okay. फिर वो लेके आए फिर उसका पूजा किया उसको कहते हैं आत्मलिंग आत्म आत्मलिंग okay. ओके तो एक प्रोसेस होता है लेकिन जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं नहीं जा सका लेकिन सोच में मैं गया काफी सो <laughs> so, और कोई एक्सपीरियंस कैलाश का आपका इसके अलावा रात का कैसा अनुभव रहता वहां पे रात बहुत अद्भुत बहुत अलग रहता है एक तो मैंने कभी इतने, इतने स्टार्स देखे नहीं थे जितने मैंने वहां पे देखे वो स्काईज बहुत अलग रहते हैं कैलाश में मैंने और एक ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे डे टाइम में दिन के टाइम पे जो क्लाउड्स होते हैं ना कैलाश मानसरोवर के ऊपर और कैलाश के वहां पे वो क्लाउड्स इतने वाइट होते जैसे कॉटन कापूस और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत एंशंट योगीज ध्यान में बैठे हैं स्काइज में और उनकी दाढ़ी है वो hmm. ऐसे फील होता है वहां पर टेलिंग टहलेंगे अरुण आपकी इमेजिनेशन का जो होता है ना प्रोसेस इमेजिनेशन प्रोसेस वो एक लिमिट को क्रॉस कर लेता है आप बहुत कुछ सोचने लगते हो एंड uh, इसलिए मुझे लगता है कि द स्काइज ऑफ कैलाश बहुत अद्भुत मुझे लगे Uh, मुझे वहां पे एक जानवी शालिग्राम में मिल गई हम कैलाश के तरफ जा रहे थे और ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करना था तो वहां पे हम तो ऐसे मतलब बोट्स पे जा रहे थे और बैचेस में मतलब नाइंटी पीपल नहीं जा सकते थे तो हम गए हम रुके थे लेकिन हम गए ऐसे जैसे हम बच्चे जाते हैं ना बीच पे कुछ शेल्स पकड़ देखने के लिए कुछ मिलता है रॉक्स ढूंढने के लिए तो हम गए ऐसे ही पानी बहुत ठंडा था बहुत बहुत मतलब डेंजर के लेवल पे इतना ठंडा था और वो करंट पे था ब्रह्मपुत्र रिवर तो मैंने ना कुछ नोटिस किया कि वहां पे एक किस्म का एक स्टोन था पानी के अंदर लेकिन लेकिन तट पे मैं देख रहा हूं लेकिन मेरे में वो करेज नहीं था कि मैं उसको उठा लू बिकॉज पानी बहुत ठंडा था और ऐसे कहते हैं वहां पे फ्रॉसफाइट भी हो सकता है फ्रॉसफाइट सो hmm. so, hmm. वो सब थॉट आ रहे थे तो मैंने बोला यार करूँ क्या अभी और वी आर वेटिंग फॉर दी अदर्स टू क्रॉस तो मैंने विचार किया विचार किया फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो तिगड़म करना ही पड़ेगा बिकॉज वो स्टोन कुछ अलग लग रहा था और मुझे उठाना था उसको आई वॉन्ट टू पिक इट अप तो एक काठी थी नजदीक झाड़ की एक ट्विग वो पड़ी थी तो मैंने ले ली और फिर उस ट्विग से मैंने निकालने की कोशिश की तो आए वो छोटा एक स्टोन है बिकॉज ऐसे लग रहा था ऊपर से तो मैंने आजू बाजू जो सैंड है ना नीचे पानी के नीचे वो मैंने थोड़ा उसको लूज किया तो वो निकल के आ गया देखा तो इतना बड़ा स्टोन था सच्ची में और वो स्टोन का जो कलर था ना वो जेट ब्लैक काला एकदम काला एंड उसका जो टेक्सचर था सरफेस बहुत स्मूथ था तो सच्ची बता दो अरुण उस क्षण पे मुझे ये पता नहीं वो क्या था लेकिन मुझे वो चाहिए था तो मैंने रख लिया और वो मैं ऐसे पकड़ के जा रहा था तो मेरे गुरु ने बताया कि बुलाया पहले तू तो क्या कर रहा है तू तो खेल मत इसके साथ कुछ अद्भुत लगता है हम जब भी वापस जाएंगे तभी दिखाएंगे किसी को तो जब भी दिखाया वापस जाने के बाद मतलब नेपाल में तो कोई एक्सपर्ट था इन रुद्राक्ष आ, स्पटिक, तो उसने बोला ये जानवी शालीग्राम है शालीग्राम है जानवी शालीग्राम है तो ये भी हुआ मेरे साथ एक एडवेंचर जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ में एक शालीग्राम आएगा यार जो दिख रहा था एक छोटा सा स्लोन जैसा लेकिन था बड़ा और वो ऐसा वैसा शालिग्राम नहीं जानवी मतलब जब थ्रेड सेरेमनी होती है ना मुंज कहते हैं हम उसको तो जानवी डा, जानव डालते हैं ना जानवी डालते हैं जनेयू बोलते हैं जनेयू डालते हैं हाँ तो वो था उसके ऊपर उसका ऐसा कुछ मार्क था एंड मैंने फिर वो घर पे लेके गया मुझे बताया कि उसका पूजा करनी चाहिए लेकिन उसके बाद आई रियलाइज कि वो शालीग्राम मेरे घर पर नहीं हो सकता बिकॉज मैं पूजा हर दिन नहीं कर पाता था तो फिर मैंने स्वामी जी को दे दिया बट ये भी हुआ मेरे साथ किस्सा उसके बाद जब आप लौट कर आए तो उसके पहले का मयूर इक्कीस दिन और इक्कीस दिन के बाद के मयूर में क्या फर्क था आई थिंक मैं पहले से ही पागल था हुँ। लेकिन हुँ। और पागल हो गया <laughs> के लिए और और उस पागलपन का मुझे एहसास था कि मैं पागल हुआ हूं लेकिन पागलपन और बीइंग मैड इज नॉट बैड बीइंग मैड इज नॉट बैड बिकॉज मैड मतलब क्या मोटिवेशन एडेप्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन yeah, मेरे लिए, लिए वो मैड है।, है मतलब मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है अगर मोटिवेट ही नहीं है खस गया आदमी ऐसे तो क्या काम करेगा सो mm -hmm. so, मेरे में वो एक बदलाव आ गया मैं मोटिवेटेड था अभी भी हूं uh, क्या था वो उसको क्या कहते हैं उसको वो जो वायरस वाला हुआ था अभी कोविड कोविड उस उसमें काफी लोगों का मोटिवेशन कम हो गया लेकिन उसमें हाउ टू एडेप्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशंस वहां पे काफी सारे लोगों ने मुझे यह सिखाया कि अडेप्ट होना जरूरी है एंड फेलियर्स को पार करके जाने में जो डिटर्मिनेशन लगती है जिद कैला से मैंने सीखा तो उस तरीके से मैं बहुत मैड हो गया शिवजी दिखे थे आपको क्या शिवजी दिखे थे आई डोंट थिंक सो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं बिकॉज ये बहुत पर्सनल है लेकिन आ, थोड़ी महसूस जरूर हुए महसूस हुए हाँ वही कैलाश पे हाँ ये ये सच है और उस फीलिंग को ही मैं परिवर्तित कर सका इन माय एक्शंस मतलब पेंटिंग राइटिंग मैंने आपकी पेंटिंग देखी मयूर जी आप बड़ी डार्क पेंटिंग करते हैं हाँ। काले रंग से भी पेंटिंग करते हैं और उसमें थोड़ा सा से, से डर सा लगता है तो ये आपके स्टाइल ऐसा ही क्यों स्टाइल है आई थिंक उसमें थोड़ा घोरियों का भी हाथ है बिकॉज फ्रेंकली uh, वैसे देखा तो डार्क और लाइट इज सेम एज डे टाइम एंड नाइट टाइम मतलब दिन और रात लाइट और डार्क लेकिन वो पार्ट ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स है ना ऐसे हम कह नहीं सकते कि डार्कनेस मुझे नहीं चाहिए होगा ही बिकॉज मून इज देयर सन जैसे है वैसे मून भी है आम, अच्छा ये तो बुराई भी है बुराई भी है लेकिन देखो भाई मेरा ऐसा मानना है कि आप जब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तभी आप ज़्यादा नहीं सोचते आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो हो जाता है वो हो जाता है आ, मैं जब भी कुछ पेंटिंग करता हूं तो जो मेरे में थॉट्स आते हैं जागृत होते हैं आ, अभी शालिग्राम जो होता है मुझे ये पता है कि आ, मैं जब शनि शिंगणापुर गया था आपने सुना रहेगा शनि शिंगणापुर इन नियर टू पुणे घरों में दरवाजे नहीं होते हाँ लेकिन वहां पे मंदिर क्या है वो तो शालीग्राम है कौन सा कलर का है वो ब्लैक है हाँ तो इसलिए शायद वो एक मेरे पे इम्प्रेशन हुआ है बचपन से आ, कि कलर्स में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए कलर्स कलर्स होते हैं और मेरा फेवरेट कलर भी ब्लैक ही है तो आपको किसी ने कहा नहीं कि ब्लैक तो अशुभ होता है ऐसा कुछ काफी काफी लोगों ने काफी लोगों ने कहा है कि भैया ब्लैक मत पहनो ब्लैक मत पहनो लेकिन मैं जब भी पहनता हूं ना तो मुझे एक आत्मविश्वास में बढ़ता है आई फील मोर कॉन्फिडेंट

व्हाइट रिपेल करता है करेक्ट तो लोगों ने कहा ये तांत्र विद्या है काला जादू करते हैं काला कपड़े पहन के करते हैं उसके बाद काली रात काला जादू इन सब से करते करते ब्लैक को नेगेटिव बना दिया गया अरुण अगर ब्लैक इतना ही खराब है तो फिर <coughs> हमारे आई आई नहीं इनके बाल काले होते हैं हैं है, वो चेंज कर देंगे सब कुछ चेंज ही कर देंगे ऐसा नहीं होता यार मूलतः में मैं समझता हूँ कि ब्लैक व्हाइट ग्रे येलो पिंक रेड दे आर ऑल देफुल कलर्स ऑफ आर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर सब कलर्स रहते ही हैं है। तो आपने राइटिंग में सबसे पहले क्या लिखा कैलाश मैंने वहाँ से आते आते मैंने शुरू किया लिखना एडवेंचर्स ऑफ पूर्णा ये किसी को पता नहीं है एडवेंचर्स ऑफ पूर्णा एक 600 पेज एडवेंचर बुक है इट्स अ स्टोरी अबाउट पूर्णा जो लड़का है जो खुद को uh, वो ही गोज ऑन अ ट्रिप टू तो कैलाश मानसरोवर फिर वहां पे वो लॉस होता है ही गेट्स लॉस्ट ऐसे माना जाता है कि बाकी लोग जो उनके साथ थे वो और एक डायरेक्शन में चले गए फिर एवलांस हो गया और पता नहीं क्या हो गया लेकिन पूर्णा जीवित रहता है और फिर वहां से वो कुछ योगियों को मिलता है योगियों को वो महादेव को भी मिलता है फिर वो जाता है और एक दूसरे प्लानट पे वो काफी सारे विद्या सीखता है सब मेरा एक था फीलिंग और इमेजिनेशन कहो उसको जो कुछ um, उसके बारे में मैंने लिखा लेकिन मुझे यू नो आर टू बी ऑनेस्ट आई वांटेड टू राइट अबाउट अघोरी साधोज बहुत पहले से बिफोर इवन आई रोट दिस बुक मैं कहता हूं ये लिखना वाज लाइक प्रैक्टिस लेकिन जो मुझे सच्ची में लिखना था इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वो ता अघोरी अघोरियों अघोरियों के बारे में व्हाई सो so, ऐसा क्यों बिकॉज़ बचपन में एक एनकाउंटर हुआ था उनके साथ जब मुंबई में वो भी कैसे मुझे प्रें? पता भी नहीं था Explain. मैं शनिवार के शनिवार के दिन पिताजी के साथ गया था मंदिर hmm. शनि मंदिर हनुमान मंदिर एक्चुअली मेरे घर के सामने तभी था अभी शिफ्ट किया गया है वो तो जब ही मैं गया तो मेरा सच्ची में मैं कुछ 9 10 बरस का लड़का था हम जाते थे पिताजी मुझे लेके जाते थे मेरा मोटिवेशन तभी था मंदिर में शनिवार के दिन प्रसाद बहुत अच्छा मिलता था कोकोनट का पीसेस के पीसेस होते थे विथ शुगर ऑन इट मुझे बहुत पसंद था तो मैं बहुत उत्साह से जाता था पिताजी के साथ कि मुझे जाना है मंदिर लेकिन उस दिन आई रिमेम्बर दैट पिताजी अंदर थे वहाँ पे ना हनुमान का बहुत बड़ा स्टैचू था और वो बहुत ही इम्पैक्टिंग था लेकिन जब मैं मैं प्रोस्ट्रेट करके मतलब नमस्कार करके मैं बाहर निकलता था मेरे पिताजी अंदर थे लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट ही वॉज वेरिंग नथिंग एक्सेप्ट इज इनर इनर वेयर था और उसने ना सम अभी मुझे पता है लेकिन तभी मुझे पता नहीं था उन्होंने अपने शरीर के ऊपर भस्म लगाया था और वो बहुत डरावने लग रहे थे तभी बाल थे जो उन्होंने ऐसे चोटी बनाई थी टाइड हेयर हेयर अभी भी मुझे याद है कि डरने का तो सवाल ही नहीं था मैं तो जाना चाहता था उनके पास तो पिताजी आए और मुझे लेके गए तभी मैंने पूछा पिताजी को कि वो है कौन थे वो बिकॉज वॉकिंग अक्रॉस तभी उन्होंने कहा कि ये शायद नागा बाबा हो सकते हैं या अघोरी हो सकते हैं तो पहली बार मुझे वो अघोरी शब्द मैंने सुना उसके पहले मैंने कभी सुना नहीं था मैं तो बच्चा था एंड सुना भी नहीं मैंने देखा एक्चुअल में वो अघोरी थे बाद में मुझे पता चला और फिर मैंने बिकॉज वो दिखने में बहुत अद्भुत थे तो मैंने जानने की कोशिश की वो कौन होते हैं मंदिर में आके बैठते हैं बाहर बैठते हैं थोड़ा सा डराने लगते हैं क्या है वो एंड वो प्रश्न से जो उत्तर आए ना वो मुझे लगा कि एक पुस्तक में मुझे उसका रूपांतरण करना है फिर ये भी हो गया कि मच लेटर आई वाज कंडक्टिंग अ वर्कशॉप आई थिंक यू नो दैट दैट आई एम अ ट्रेनर सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ मैं एक लीडरशिप का वर्कशॉप मैं कर रहा था तभी Uh, दो तीन बच्चे हम लंच में ऐसे बात करते थे तो ये पता चला कि उनके रिश्तेदार uh, वो हरिद्वार से बिलोंग करते हैं और uh, सॉरी uh, काशी से सॉरी काशी से और उनके रिश्तेदार अघोरियों अग्यो, अग्यो, को पहचानते हैं सॉरी मानीपुर से अघोरियों को अघोरी साधुओं को पहचानते हैं तो मेरा वो बल्ब जागृत हो गया तो मैंने फिर उनसे बात की और दे रिस्पेक्टेड मी अ लॉट बिकॉज़ आई वाज अ ट्रेनर तो नंबर okay. ले लिया एंड आई मैनेज्ड टू गेट एन इंटरव्यू विद टू अघोरी साधुस मैं उनको मिला उनसे जो मुझे ज्ञान मिला कब की बात है ये ये uh, अभी 2024 दिस मस्ट बी 2017 और 18 ओके okay. ओके लेकिन मैं सच्ची कहता हूं कि मेरे दिमाग में वो था एक अंडरकरंट था सोचना उनके बारे में लेकिन मेरा मेरे बाकी भी काम थे ना तो लेकिन उनको जब भी मिला उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई उनको मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बिकॉज एक्चुअल में हम जब भी देखते किसी को तो भी पता चलता है वो है कौन रियल में Uh, मैं ये भी समझता हूं कि जब भी मैं उनको मैं, उस अघोरी को मैंने देखा मैं जब भी बच्चा था तो इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था मेरे ऊपर कोर्स मैंने पिताजी को पूछा उन्होंने मुझे बताया वो अलग बात है लेकिन वो सबकॉन्शियसली मैंने वो पकड़ लिया था कि अघोरी ये होते हैं अच्छा सही में अघोरी कौन है ये जब मुझे पता चला तो मैंने मुझे लगा कि एक पुस्तक होनी चाहिए कौन है अघोरी <laughs> Uh, बहुत ही बहुत ही अद्भुत किस्म के शिव भक्त हैं hmm. uh, वो ऐसे भक्त हैं शिव के जो शॉर्टकट करेंगे शॉर्टकट में उनको जो भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो करेंगे शॉर्टकट मतलब मतलब जैसे हम कहेंगे कि हमारे लिए शिव प्राप्ति के लिए दो तीन जन्म तो लगेंगे ओके okay. वो मानते हैं कि अगर उस तरीके से साधना की तो एक ही जिंदगी में वो शिव प्राप्ति हो जाएगी जो हम नहीं कर पाते हैं वो डरते नहीं हैं अघोरी किसी से भी नहीं डरते हैं आ, किसी को बोलो कि आपको जाना है रात के बारह बजे बाहर पहले उत्तर होगा क्यों क्या हो गया नहीं मुझे देखना है आप कितने करेजेस हैं वो नहीं जा पाएंगे अघोरी स्मशान भूमि पूरे नाइट बैठते हैं स्मशान भूमि में लोग तो नॉर्मल रस्ते पे नहीं जाते हैं रात को डर के वजह से और वो लोग डरते ही नहीं है बिकॉज उनके लिए डर बाद में पहले शिवा उनके प्रोसेस जो होते हैं मेडिटेशन के बहुत अलग होते हैं जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है आ, वो खुद को बहुत तकलीफ दे, दे हमें लगता है वो देते हैं लेकिन उनके लिए वो एक साधना है आ, उनके मंत्र उच, उच्चारण बहुत अलग होते हैं वो नॉर्मल लोगों से बात करना भी नहीं चाहते हैं मैं अभी एक दो साल या एक डेढ़ साल पहले मैं गया था काशी मुझे मिलना था अघोरियों को एक भी अघोरी नहीं मिला था ही नहीं कोई तो मैंने सोचा शायद रात को होगा रात को भी नहीं तो ऐसे बहुत कम है जो आते हैं मुझे बताया गया कि वो आते हैं अपनी क्रिया करते हैं और निकल जाते हैं ऐसा सुना है कि मुर्दे लेके भाग जाते हैं अघोरी यार ये तो मुर्दे वाला हो गया यार, ये तो इंटरनेट वाला हो गया देखो वो मुर्दा तो लेके भागते नहीं है एक क्रिया होती है जहां पर Uh, उनको बैठना पड़ता है मुर्दों के ऊपर एंड आई नो दैट इट इज डन वो किया जाता है टू एब्सॉर्ब द वाइब्रेश फ्रॉम दैट अभी वो मुर्दा कौन है uh, तो मुझे ये बताया गया कि और फ्रॉम द राइट सोर्सेस मैंने देखा नहीं उसको लेकिन मुझे बताया गया कि मुर्दे भी वो टटोलते हैं वो मतलब लिटरली एनालाइज इट बट अगर कोई यंग कोई पर्सन मरा हो तो वो पूछते हैं वो परमिशन लेते पूजा कर करने के लिए या यादीज करने के लिए वो बैठते हैं उनके ऊपर लेकिन मुर्दे को भाग के लेके चला ऐसा नहीं होता है वो नहीं कर वो नहीं पॉसिबल ही नहीं है उनको इसलिए वो तो रहते हैं स्मशान भूमि में जहाँ पे मुर्दे होते हैं काफी सारे अघोरियों का ये भी होता है कि एक प्रोसेस होता है जहां पे वो जो एशेज होते हैं ना जलाने के बाद उसके ऊपर बैठते हैं और अपने विधि करते हैं अरुण अगर आप गंगा के तट पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय करेंगे मैं आपको लिख के देता हूं कि शायद पहले 10 12 बार आप का ध्यान यहां वहां जाएगा बिकॉज आपको यू आर नॉट यूज टू इट लेकिन आफ्टर ट्वेल्व टाइम्स ऑफ रिपीटिंग विद द माला उसके बाद जो आप खुद में जाएंगे आपकी जो कॉन्सनट्रेशन बढ़ेगी स्पिरिचुअली वो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा अघोरीज जब भी बैठते हैं मेडिटेशन के लिए वो तो एक दिन दो दिन कभी कभी हफ्ते बैठते हैं फकोर्स वो ब्रेक लेते रहेंगे लेकिन वो उनका उतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है मैंने कहा ना उनको शॉर्टकट ही पसंद है हम थोड़ा लॉन्ग कट लेते हैं वो भी अच्छी बात है एटलीस्ट हम जा रहे हैं लेकिन वो वो चाहते कि जो आप दस दिन लेंगे मुझे वो आधे दिन में चाहिए वो है अघोरी कोई ऐसी प्रैक्टिस अघोरियों की जो नॉर्मल लोग जानते नहीं या मिस इंटरप्रेट करते हैं उनके बारे में ओ... उनको दर्शाया गया है एंड इट्स ट्रू ये सत्य है कि वो ह्यूमन स्कल को यूज़ करते हैं ह्यूमन का जो स्कल है ना उसको वो पकड़ के जाते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे अफवाहें होती हैं कि वो बहुत डरावने हैं वो भूत के साथ मिल के जाते हैं ऐसा नहीं है कुछ विधीज होते हैं जहाँ पे हैव टू यूज़ द हॉलो स्कल ऑफ द ह्यूमन बींग उसी स्कल में से वो खाते हैं पीते हैं उसको एक कंटेनर बनाते हैं उसकी ही पूजा करते हैं तो ये अफवाह है कि अघोरीज भूतों के साथ उनकी दोस्ती है या वो ह्यूमन स्कल को ऐसे लेके जाते हैं वो पहनते हैं दि, दिखाने को कि हम कुछ अलग हैं ऐसा नहीं होता है दे यूज़ इट फॉर सम पर्पस। पानी आपने दे दे तो उसमें लेते हैं मरण के आगे जो है वो है अघोरी मतलब उनमें होता ही है लिविंग डेड सब लेकिन उनके लिए बाकी सब डेथ है एक ही है शिव के साथ शिव प्राप्ति मैं कहता हूं तो बड़ा एक्सट्रीम है शिव को बहुत एक्सट्रीम है वो हम नहीं कर पाएंगे इसीलिए मैंने पुस्तक लिया और मैं आ, लिखा है और मैंने सेकंड पुस्तक भी मैं लिख रहा हूं कि 99% ये जो दर्शाया जाता है ना कि वो मांस खाते ही हैं वो शराब ही पीते है, ये भी है। हैं ये गलत हाँ यार यू you नो know, आप, आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो हमारे योगियों के बारे में वो भी एक योगी है उनका ढंग अलग रहेगा उनका उनके टेक्निक्स अलग रहेंगे लेकिन हम हम क्यों उनको ऐसे देखें इसीलिए उनके बारे में जानना परिपूर्णतः से वो बहुत इंपॉर्टेंट है यू शुड नो देम फुल ऑन यहां पे क्या है कि एक ही बात को फॉर मोर व्यूज में भी पता नहीं क्यों एक ही बात को दर्शाया जाता है वो यही खाते हैं यही पीते है, ऐसा नहीं है तो आप तो मिले हैं गोरियों से हाँ तो आपकी बात क्या हुई थी कुछ ऐसे मैं, मैं ज्यादा आपका पहला सवाल क्या था <laughs> पहले तो सवाल ही नहीं आ रहे थे मैं गया था उनके आंखें बहुत लाल होती हैं एक अच्छी बात हुई थी मैंने बताया पहले कि पहले कि मेरे पास कुछ साधन नहीं थे कि रिकॉर्डर कैमरा कुछ नहीं मैं सिर्फ गया था तो मेरा पहला सवाल जब मुझे पूछने का मौका मिला वो एक्चुअली था कि आप अपना मेडिटेशन कैसे करते हैं बिकॉज hmm. ये सच्ची में मुझे आई गेट मैड अबाउट इट कि क्या कर, कैसे करते हैं दिखती तो ऐसे है लेकिन क्या करते हैं uh, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया देखो वो ना क्या करते हैं वो टटोलते हैं वो देख एनालाइज करते हैं ये आदमी सही में पूछ रहा है कि ऐसे ही पब्लिसिटी के लिए पूछ रहा है uh, बहुत स्मार्ट है बिकॉज वो जब करते हैं वो ध्यान करते हैं लेकिन मैंने इनको वही पूछा था बिकॉज मुझे सच्ची में पता करना था कि वो उन मेरी मेडिटेशन वो जपा है उनका क्या है मुझे पता ही नहीं था तो उन्होंने मुझे बताया जो कुछ मैं जो बता नहीं सकता हूं पुस्तक शायद मैं थोड़ा बहुत मैं शेयर कर सकता हूं लेकिन सम थिंग्स दे टोल्ड मी नॉट टू टेल वो मेरे uh, लिए था वो मेरे कानून के लिए था वो okay, तो जैसे आपने ये पुस्तक लिखी अघोरी हाँ। दूसरा पार्ट भी आप लिख रहे हो उस उसमें वो किस बेस पे क्या है उसमें एक्चुअली इस पुस्तक से वो कंटिन्यू होता है okay. जहाँ पे सुबु जो जैसे पूर्णा था उसमें यहाँ पे सुबु है जो लड़का वो बहुत आकर्षित हुआ है अघोरियों के तरफ एंड वो गया था अघोरियों को मिलने बिकॉज उसको अघोरियों को कुछ देना था उनको uh -huh. वो थे मंत्र अभी पार्ट टू में वो मंत्र लेके वापस आया है स्वामी जी के पास गुरु के पास और वो कैसे उसके अंदर से वो मंत्र निकाला जाता है और स्वामी जी के अंदर उनके गुरु के अंदर डाला जाता है उसके बारे में है और ये करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज वो फेस करता है आ, वो भी नॉर्मल नहीं थोड़ा सा अलग स्कैरी उसमें स्पिरिट्स भी आते हैं तंत्र विद्या भी होती है तो भूत मिले आपको हाँ कभी कभी मिलता हूँ मिरर में दिखता हूँ तो मिलता मानता वैसे वैसे? हूं मैं एनर्जीज में मानता हूँ मैं समझता हूँ सच्चे मुझे आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं आपको कि भूतों के विजुअल वैसे नहीं होते जो दिखाए जाते हैं है। मूवीज में दिखाए जाते हैं ऐसा नहीं होता है बड़े बड़े बाल और वो सब ठीक है यार नहीं तो पिक्चर कौन देखेगा लेकिन भूत जो होते हैं प्रेत होते हैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये बात लगेगी कि जब एक व्यक्ति हिंदुज्म में कहता हूँ बाकी के भी होते रहेंगे बाकी रिलीजन्स में लेकिन हिंदुइज़्म में आपको ये पता है कि जब भी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका तेरावा दिन होता है तेरहवीं बोलता है तेरहवीं बोलते हैं इट इज़ अ वे ऑफ टेलिंग दैट एंटिटी जो स्पिरिट होता है ना कि आपका आपकी अभी हुई ये हो गया मृत्यु अब आप प्लीज चले जाइए उसमें ये भी होता है कि आप वो जो पुरोहित होता है प्लीस्ट ही आल्सो कॉल सम एल्डर्स कि उसको लेके जाओ बिकॉज उसको पता भी नहीं होता कि वो मर गया है ऐसे भी होता है तो उसको बताया जाता है कि आपका हो गया अभी नाउ यू हैव टू गो टू गो बैक अभी वो हेवन जाएगा या हेल जाएगा कि वापस आएगा वो मुझे पता नहीं है बट डेफिनेटली ऐसे होते हैं जि जिसको हम भूत कहते हैं अभी हम भूत की बातें कर रहे थे भूत प्रेतों की बातें कर रहे <laughs> थे थोड़ी मृत्यु की बातें करते हैं sure. आपका बड़ा इंटरेस्ट है इन सब डार्क चीज़ों में कोई मृत्यु का एक्सपीरियंस है आपका देखो आई बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल मेरी अभी हाल ही में अनफॉर्चुनेटली आई हैड बिट ऑफ अ स्केयर बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट मैं कुछ दो दिन आईसीयू में था मुझे पता भी नहीं लेकिन मैंने ओपन माय आईज आई वॉज इन हॉस्पिटल मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो दो दिन अरुण आई डोंट नो वेदर आई वॉज अ लाइव और डेड तो पहली बात मुझे ऑलवेज ऐसे फील होता है कि जो जिसको जिसके ऊपर मृत्यु आती है नॉर्मल में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में दैट पर्सन डज नॉट रियलाइज जैसे मैंने कभी रियलाइज नहीं किया उन क्षणों में कि मैं अवेयर हूँ कि मैं नियर uh, डेथ कुछ हो रहा है मेरे साथ कुछ नहीं था टोटल ब्लैंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक कैन यू टेल मी हाउ यू फेल्ट वेन यू अ अस्लीप? जब भी आप सो रहे थे आपको पता था कि आप वाह मैं सो रहा हूं आपको पता भी नहीं है इसलिए तो आप ड्रीम करते हो आपको स्वप्न आते हैं ये तो एक बात हो गई दूसरी बात यह है मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया जो कुछ कहूँ मैंने अभ्यास किया है कि जो डिजायर्स होते हैं बहुत स्ट्रांग डिजायर्स कि मुझे ये चाहिए मुझे करना है और अगर अकस्मात मृत्यु होती है मृत्यु डेथ वो डिजायर्स रहते हैं वहां पे और मृत्यु के बाद वो जो एनर्जी होती है आप उसको स्पिरिट बोलिए जो कुछ बोलिए भूत बोलिए वो वहां पे टंगा रहता है बिकॉज डिजायर्स भी है और दैट स्पिरिट इज अ लाइफ बट द पर्सन इज डेड बट दैट कॉन्शियसनेस जो होती है वो अलाइव है अभी आप उसको डेथ बोलिए बिकॉज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज के लिए वो तो मर चुका है लेकिन शायद एज अ भूत वो अभी भी अलाइव है बिकॉज ही हैज़ गॉट कुछ उसके अंदर कुछ डिजायर हैं जो वो हासिल करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया तो मृत्यु बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है फ्रेंकली स्पीकिंग um, लेकिन एक जो मैंने ये भी देखा है कि रिकवर करना किसी एक्सीडेंट से या किसी सिचुएशन uh, से वो रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होती है समटाइम्स डेथ हो जाता है लेकिन अगर वो सर्वाइव उसने किया फिर वहां से जो रिकवरी प्रोसेस होती है टू कम बैक टू नॉर्मल कैन बी बहुत लंबा हो सकता है काफी पेनफुल हो सकता है मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जिसने खुद को जलाने की कोशिश की थी फॉर वॉट एवर रीजन्स आई नो एंडफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो उसकी वो सर्वाइव किया उसने लेकिन सर्वाइव किया तो कैसे यार हम देख भी नहीं पाते थे इट वॉज वेरी पेनफुल जो रिकवरी थी ऐसे लोग मैं मिलता हूं कभी कभी जो कहते हैं कि मैं इतने डेट में हूं मतलब तो मेरे ऊपर इतना सब देने के उसको क्या कहते हैं में कर्जा है कर्जा है कि मरना ही अच्छा लगता है मरना ही अच्छा है एंड दो इट इज एप्सोल्यूटली नॉट राइट बट मनस्थिति उस लेवल पे जा सकती है जहाँ पे एक व्यक्ति खुद का भी जान वो ले सकता है मतलब सुसाइड कर सकती है या कर सकता है इसलिए मृत्यु इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्कैरी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मैंने अभी तक किसी को मैं मिला नहीं हूँ जो जिसने मुझे कहा कि मैं मर के अभी वापस आया हूँ और अभी मैं आपको बताऊँगा कि मृत्यु है क्या नोबडी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू मी मेरे नॉलेज में ऐसी कोई व्यक्ति ने जिसने मुझे ये बताया कि टॉक टू मी मुझे पता है मैं जाके आया हूँ जैसे कैलाश में गया तो मुझे पता है hmm. लेकिन मृत्यु आई डोंट नो आई ओनली टोल्ड यू दैट आई वॉज इन दैट सिनेरियो जहाँ पे वो कहते हैं उसको आई सी यू जो कुछ और उसमें मुझे ही पता नहीं क्या हो रहा था बट आई सर्वाइव्ड मेरे गुरु के आशीर्वाद से एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड बट मृत्यु उसके लिए बहुत टाइम लगेगा टू नो मोर डिटेल्स ऑन दैट आप दो दिन के लिए थे hmm. वहाँ से सर्वाइव करके आए मेरे मन में एक ये लाइन आ रही है कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का क्या बात है क्या बात है हर हर महादेव हर हर महादेव आपने ये रुद्राक्ष पहन रखे हैं कई सारे पहने ये माला भी आपकी है ठीक है तो रुद्राक्षों से आप मतलब आप कैसे से परसीव करते हैं हर किसी का अपना अपना अलग सही बात है जी बात है आ, पहली बात तो ये कि आप अरुण इस मामले में बहुत नॉलेजेबल है खुद ये मुझे पता है यू आर एन एक्सपर्ट इन रुद्राक्षस इसलिए मैं आपको उत्तर जो मुझे लगता है उस हिसाब से देने वाला हूं एंड मैं ऐसे बोलता हूं जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में है जो चार, आप चार <laughs> है आपका हाँ चार है सो अगर मैंने आप, आपने जब भी मुझे पहले भी पूछा था मैंने आपको दो एंगल से उत्तर दिए थे हाँ। वैसे यहाँ पे रुद्राक्ष वैसे देखा तो इट्स द सीड ऑफ अ ट्री रुद्राक्ष झाड़ होता है उसका ये सीड है वो एक नेचुरल बात है मैं जब भी परदेश एक कंट्री में गया था फिजी आइलैंड्स तो वहां पे भी था रुद्राक्ष का झाड़ वहां पे पैसिफिक ओशन के पास hmm. वहां से मैंने काफी रुद्राक्ष में लेके आया यहां पे बट रुद्राक्ष का और एक बहुत आध्यात्मिक उसका एक कनेक्शन है तो ऐसे कहा जाता है माना जाता है कि रुद्राक्ष आल्सो इज रुद्र एंड अक्षर जब साथ आते हैं मतलब रुद्र इज रेप्रेजेंटेड बाय शिवा रुद्रावतार, रुद्र एंड अक्ष द टीयर ड्रॉप्स तो ऐसे कहा जाता है कि जब महादेव या शिव शिव जी जब एक अलग लेवल के एक्सटसी या हैप्पीनेस में थे अद्भुत कुछ अलग इमोशन में थे तो उनके आंखों से टीयर्स रोल आउट होने शुरू हो गए दीज आर नॉट टीयर्स ऑफ दुख एंड ऐसा नहीं जैसे हम कभी हंसते भी, भी uh, ऐसे लोग जो खुशी के आंसू खुशी के आंसू ये बहुत अलग खुशी थी वो एक्सेसिव समथिंग डिफरेंट एंड जब भी वो आए और गिर गए उसके रुद्राक्ष बन गए बिकॉज इट केम फ्रॉम रुद्र वो भी एक है मैं मानता हूँ कि जैसे स्पटिक होता है स्पटिक होता है अलग अलग स्टोन्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं ऐसे कुछ रॉक्स होते हैं जो ग्लो करते हैं hmm. दे ग्लो उनकी प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं वैसे रुद्राक्ष दो इट इज एक्चुअली अ सीड ऑफ अ ट्री बट उसके प्रॉपर्टीज बहुत अलग हैं आप उसको चार्ज कर सकते हैं पॉजिटिव चार्जिंग दे सकते हैं आप उसको कैसे मैं तो कहता हूं कि अगर आपने एक रुद्राक्ष आपके हाथ में ऐसे रख दिया पकड़ लिया और आपने ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय जैसे आप कहते हैं ओम नम शिवाय आपने 108 बार किया विथ वन रुद्रा, रुद्राक्ष इन योर हैंड ऐसे वो चार्ज हो जाता है और आप पहन सकते हो वो चार्जिंग से क्या होता है कि आपके अंदर जो हम उसको कंपन बोलते हैं या वाइब्रेशंस बोलते हैं या फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं वो निर्माण होते हैं अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज दैट्स वाई यू शुड वेयर और रुद्राक्ष बट एट द सेम टाइम रुद्राक्ष का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है ऐसे नहीं कि डाल लिया और नहीं इट हैज गॉट दैट पावर मेरा ये भी मानना है कि जैसे झाड़ों में लाइफ होता है जब भी मैं छोटा लड़का था बच्चा था तो दूस टू बी हमारे गांव में एक प्लांट का टच मी नॉट मुई कहते हैं हिंदी में अच्छा मुई तो टच मी नॉट प्लांट बहुत इंटरेस्टिंग था तो हम उसको टच करते थे तो सब लीव्स यूज टू तो कम डाउन बंद हो जाते, बंद हो जाते थे फिर बायोलॉजी में बाद में पढ़ा कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जो प्रेडिटर प्लांट्स होते हैं वो खुद इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं मतलब आएंगे तो उसको पकड़ लेंगे तो उनमें लाइफ है हमें लाइफ है हमारे में लाइफ है सिमिलरली रुद्राक्ष में भी लाइफ है उसमें भी कॉन्शियसनेस है तो जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं रुद्राक्ष लेके या रुद्राक्ष पहन के जब हम मंदिर में जाते हैं और हमें तो पता नहीं क्या मंत्र पढ़े लेकिन वो सुन रहे हैं शायद रुद्राक्ष भी सुन रहा है और एक बात मैं कहना चाहता हूं बिकॉज आपने मुझे प्रश्न किया कि रुद्राक्ष में डुप्लीकेट भी बहुत होते हैं फेक भी बहुत होते हैं और रियल भी होते हैं तो वो परखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छे दिखने वाला रुद्राक्ष पहन लिया लेकिन वो फेक है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ पहना है लेकिन देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फेक वन और एक रियल वाला तो इसीलिए इन कारणों के वजह से मुझे लगता है कि योगीज जो है साधुज हट योगीज कर्मयोगीज अपने जैसे अघोरीज ये जो योगीज हैं हिमालय के जो योगीज हैं वो ये पहनते हैं हमारे गुरु परंपरा में भी ऐसे हैं कि हमारे गुरु हमारे गुरु के गुरु गुरु के गुरु के गुरु सब वो रुद्राक्ष पहनते थे इनफैक्ट आप उसको आपके सिर के ऊपर भी बांध सकते हैं ऐसे मैंने खुद देखा एक फोटो में अभी उससे क्या होता है स्पेसिफिकली से ज्यादा जनरली उससे अच्छे वाइब्रेशंस कंपन निर्माण होते हैं आपके विचारों में बहुत बदलाव आ सकता है ऐसे मुझे लगता है संख के बारे में कुछ कहना है कोर्स एक तो आ, वो एक ऐसी ध्वनि है जिससे आपके आपका जो कॉन्शियसनेस है अंदर का जो आपका जो सोल है जिसके वजह से आप जिंदा हैं वो रिएक्ट करता है शंख की वो नेचर ऑफ द शंख साउंड इज सच आप शंख के आवाज को आपके मुंह के आवाज के साथ रे, रेप्लिकेट नहीं कर सकते यू कैन नॉट कॉपी दैट ऐसे माना जाता है कि जब भी आप मंदिर में जब शंख बजाते हैं सिंबॉलिक अलग बात है वो मैं आऊंगा लेकिन साइंटिफिकली जब भी आप शंख बजाते हैं तो एक डायमीटर का जो होता है ना डायमीटर ऑफ और रेडियस ऑफ से रेडियस ऑफ फाइव टू सेवन फीट उस रेडियस में या टेन फीट ऑफ डायमीटर टेन ट्वेल्व फीट ऑफ डायमीटर में कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वो उनको घात हो जाता है आपको अटैक नहीं करेंगे वो भाग जाएंगे या मर जाएंगे ऑलसो शंग बजाने से मन जो है हमारा वो नेचुरल है वो पॉजिटिव तरीके से प्रवृत्त हो जाता है इफ यू प्ले इफ यू हियर समबड़ी प्लेइंग अ कॉन्च आप कुछ साधना कर रहे हो आप मेडिटेशन कर रहे हो आपकी मेडिटेशन की इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है सेम थिंग विद घंट टेंपल hmm. में जो बजाते हैं टंग टंग उससे भी एक रेडियस को आप पकड़ लें तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया है और नेगेटिव थॉट्स है वो निकल के चले जाते हैं दैट इज द पावर ऑफ अ शंख और मैं समझता हूँ पर्सनली दैट हर एक घर में एक शंख होना जरूरी है मेरे पास है एक शंख अगले पॉडकास्ट में मैं बजाऊंगा आपके सामने चाहिए ये, ये रखा है यहाँ पे अच्छा अब हम पॉडकास्ट कैंड में आ चुके हैं जी आ, हम ये अराउंड महाशिवरात्रि शूट कर रहे हैं सो so, महाशिवरात्रि कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव आकार से एक स्वरूप में आए थे कुछ कहते हैं शादी हुई थी भगवान शिव की वो वैराग छोड़ के गृहस्थ बने थे आपके महाशिवरात्रि <coughs> को लेके क्या थाट्स हैं और या फिर आप कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं uh, मेरे लिए हर दिन एक हर दिन या मैं कहूँ लिटरली हर रात एक शिवरात्र है uh, जब मैं शिव की आराधना करता हूँ या शिव स्तोत्र कहता हूँ वो शिवरात्र है शिव पूजन जब मेरे गुरु करते हैं और मैं उनके साथ होता हूँ वो शिव शिवरात्र होती होती है लेकिन महाशिवरात्रि क्या होती है कि ऐसे तीन या चार चार कुछ महाशिवरात्रिज होते हैं दिन होते हैं या रात होते हैं जहाँ पे आ, माना जाता है कि उस दिन उस दिन या उस नाइट को आ, शिव और पार्वती केम टूगेदर अब ये शिव पार्वती ऐसे नहीं वो एक है शिव पार्वती फ्रॉम अ माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो उसको हम कहते हैं शिव और शक्ति शिव और शक्ति साथ में आए उसको महाशिवरात्रि कहते हैं और उस रात को ऐसे कहा जाता है कि uh, मैं ऑलवेज कहता हूँ ऐसे कहा जाता है बिकॉज आई हैव सीन दैट बट आई विल ऑलवेज शुड एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ दैट महाशिवरात्रि के दिन अमावस्या की रात होती है इट्स अन नाइट फुल डार्कनेस ऐसे दिन पर अगर आप जब करते हैं तो एक जप एक माला इज इक्वल टू टेन माला okay. इतना उसका पावर होता है उस, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है ये दो सिचुएशंस में होती हैं एक शिवरात्रि के दिन या अमावस्या के दिन वो एक बात हो गई दूसरी बात जब मैं परिक्रमा कर रहा था कैलाश में तभी मेरे गुरु ने कहा था कि आप जब कर रहे हो मैं उनके साथ था तो मैं ब्रीद नहीं कर सकता था लेकिन मैं करता था मेरा जब हर दिन बिकॉज गुरु ने वो दिया तो करना ही है तभी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जब भी आप करोगे उसका फल स्वरूप आपको दिखेगा व्हेन यू गो बैक टू मुंबई मतलब यहां पे अगर आप एक करोगे तो इट्स इक्वल टू तो यू डूइंग मे बी टेन मालर्स यहां पे एक माला इज इक्वल टू तो टेन मालास बैक इन मुंबई hmm. उसका आपको डिफरेंस एंड इंपैक्ट दिखेगा जो दिखा मुझे जैसे मैंने पहले कहा कि आई डिड सो मच लाइक पेंटिंग मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज महा कहते हैं बिकॉज इट इज मोर देन नॉर्मल शिवरात्रि हर दिन होत, हर दिन के बाद एक रात्र होती है तो हर दिन आप कुछ कर सकते हैं योगा फिजिकल एक्सरसाइज और रात्र को आप कुछ ध्यान कर सकते हैं और ऐसे दिनों में मतलब महाशिवरात्रि के दिन यू शुड डू मोर ऑफ जपा बिकॉज योर शक्ति की जागरण हो सकती है ऐसे कहा जाता है नाइस वेरी नाइस थैंक यू सो मच मयूर जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए एंड आई मस्ट से यू आर अ मैन ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको आपके एक्सपीरियंस बनाते हैं आज जो हैं आप एंड बड़े अच्छे लगे आपके कैलाश महादेव के एक्सपीरियंसेस फिर घोरी के एक्सपीरियंस अभी आपकी नेक्स्ट बुक भी आ रही है मैं ज़रूर पढ़ूंगा उस बुक को पहले वाली बुक कंप्लीट कर लूँ ठीक है <laughs> uh, आपने बोला था आप ट्रेनिंग कराते हैं <coughs> रिट्रीट कराते हैं हाँ. तो जैसे मान लीजिए किसी को आना है आपकी रिट्रीट में तो कैसे आ सकता है वो uh, एक तो मैं एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ कि रिट्रीट फंडामेंटली इज़ एक एक ओकेजन होता है जहाँ पे जो वन परसेंट आध्यात्मिक हैं या नाइन्टी परसेंट वो आके हम साथ में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जहाँ से हम कुछ उपलब्धि पा सकते हैं जैसे जब क्या होता है बीज अक्षरास क्या होते हैं कैसे किया जाता है प्राणायाम कैसे किया जाता है उसमें हम पेंटिंग भी करते हैं राइटिंग भी करते हैं वो तीन दिन का होता है और द बेस्ट वे इज़ आई एम ऑन इंस्टाग्राम मयूर कलबाग आप मुझे फॉलो कीजिए hmm. मुझे मैसेज भेजिए वी कीप अनाउंसिंग अभी अभी एक हो रहा है मैं कल जा रहा हूँ ऋषिकेश फिर उसके बाद भीमा शंकर में होने वाला है उसके बाद वी आर प्लानिंग वन इन दुबई एज वेल फॉर द इंटरनेशनल पीपल लेकिन आइडिया क्या है कि uh, अरुण प्रैक्टिकल पद्धत से देखना स्पिरिचुअलिटी को तो ये रेजिडेंशियल हो है तो हमारे हाँ हाँ वहाँ पे हम उसका ख्याल रखते हैं okay. कि वो स्टे अकोमोडेशन एंड डिनर लंच ब्रेकफास्ट वो हम देखते हैं आपको आना है और साथ में सीखना है साथ में हम साथ में वहाँ पे गुरु कोई होता नहीं है वहाँ पे सब साधक होते हैं शिष्य होते हैं आप अपने गुरु के को रखिए आपके दिमाग में आपके विजन में बट यू कैन एड कुछ नए एस्पेक्ट्स टू योर एग्जिस्टिंग टेक्निक्स वो भी हम, हम कर सकते हैं आ, लेकिन आपने मुझे कुछ मेरे बारे में अच्छी बातें कहीं तो मैं भी आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ अरुण आपका जो आपकी जो शैली है मतलब जिस तरीके से आपने मुझे प्रश्न पूछे आ, एक तो आप बहुत सहज ढंग से आ, ऐसे कुछ बोल लेते हैं जहाँ पे मैं आ, मुझे हंसना स्टॉप करना पड़ता है बिकॉज आप यूर यू आर अ वेरी फनी पर्सन बट विदाउट बींग फनी जैसे आपने मुझे पूछा कि मैंने भूत देखा है तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं कुछ भूतों को तो देखूंगा आज बट आई रियली मैंने सच्ची में बहुत नेचुरल पद्धति से आपके साथ मैंने वार्तालाप की uh, एक मैं श्लोक बोलना चाहता हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट भी है और लोग बहुत पसंद करते हैं तो मैं इफ यू, आपकी अगर इजाजत है तो और उसका मीनिंग भी अच्छा है दारिद्र्य दुख दहन शिवस्त्रोत्र और शिवा का ही है ओम शिवरुभ्यो नम श्री भवानी शंकर नम ओम ओम दारिद्र्य दुख दहन शिवस्त्रोत्र विश्वेश्वराय विषकण्ठविभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय फणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय दारिद्र्यदुःख दहनाय नमः शिवाय वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स हि सर्वमवाप्नुयात् ॐ दारिद्र्यदहनशिवसोत्रं सम्पूर्णम् ॐ नमः पार्वतीपते हर हर, हर, हर महादेव